किसी भी दवा के नाम से उसका उपयोग, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई दवाई है और आप जानना चाहते हैं कि ये दवाई किस चीज़ की है, किस काम आती है, इसको कितनी बार लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ऐसी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं किसी भी दवा के बारे में। आपको बस एक मोबाइल की ज़रूरत है और आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी दवा के बारे में उसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं चलिए जानते हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको उस दवा का नाम लिखना है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बाद यूजेज इन हिंदी लिख के सर्च करना है। तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी जिन पर उस दवा के बारे में जानकारी दी गई होगी। यहाँ पर एक दो वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप उन्हीं पर जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये एक जो है दवाई है मेरे पास, तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको सर्च करना है गूगल में। यहाँ पर देखिए, सर्च करने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक टेबलेट है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर यूरिटीन नाम लिखा हुआ है, तो ये इस दवा का नाम है, ठीक है, तो आप इसको लिख के सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार जो है सही से जानकारी नहीं आ पाती है, तो इसमें मेन चीज़ है जो मेन चीज़ है वो है ये इस दवा के साल्ट। तो इस दवा के साल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दो तीन साल्ट यहाँ पर मिलाए गए हैं, तो आपको इनको लिख के भी सर्च करना है तो आपको ज़रूर जो है 100% दवा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर एक चीज़ फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि दवा का नाम ये है, कंपनी का नाम है, तो सेम मैच ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मेन चीज़ है वो है इसके साल्ट ये मैच होने चाहिए। तो अगर मैच होते हैं तो आप जो जानकारी आती है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने जो है बिकासुल्स कैप्सूल के बारे में सर्च कर रखा है, तो इसी को हम सर्च कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको दवा का नाम लिख के उसके बाद यूजेज इन हिंदी लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी जिनके बारे में, इस दवा के बारे में जानकारी बताई गई है। यहाँ पर ये एक वेबसाइट है माई उपचार नाम से, तो इस वेबसाइट पर जो है आपको किसी भी दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन दवाई परचेज करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में आपको दवाई दिखाई जाती है कि कौन सी दवा है, आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, उस दवा के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि इस दवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। साथ ही अगर आप नीचे जाते हैं तो इस दवा के लाभ बताए गए हैं, इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है कि कितनी बार लेना चाहिए, कितनी बार नहीं लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है। देखिए, नुकसान भी यहाँ पर बताए गए हैं, साइड इफ़ेक्ट है, और भी बहुत सारी जानकारी, मतलब इस दवाई के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी आप चाहें तो डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे आके सर्च कर सकते हैं किसी भी दवा के बारे में, जैसे कि ये myupchar.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा मैं, तो आप उस पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाता है, तो यहाँ पर आप किसी भी दवा का नाम लिख के जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक दवा है जो कि हमने अभी आपको दिखाई थी, इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दवाई आ जाएगी, आपको सिंपली एक बार उस दवा पे क्लिक कर देना है। अभी नीचे देखिए, तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ दवाई दिखाई जाएगी आपको, और अभी यहाँ पर इस दवा से संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है, कैसे यूज करना है, उपयोग करने का तरीका, इसके जो है खुराक और इस्तेमाल करने का तरीका, इसके साइड इफेक्ट, सारी जानकारी बताई गई है। इसके अलावा अगर आपको माई उपचार पे किसी टेबलेट के बारे में या किसी दवाई के बारे में जानकारी ना मिले, तो तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, आपको उस दवा का नाम लिखना है, यूजेज इन हिंदी लिख के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, आपको जो वेबसाइट ठीक लगे आप उसको ओपन करके उस दवाई के बारे में जो है पढ़ सकते हैं, आपको उस दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ बताई गई जानकारी, ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।